Hello everyone, welcome to Chosen Science. So today we are going to talk about some PGT biology important questions. ये सारे questions जो रहेंगे आपके KVS, NVSD, SSSD और जितने भी टेट के एग्जाम्स रहते हैं साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होगी इन सब क्वेश्चन से. और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनका जो लेवल रहेगा वो 8 to 12th क्लास की जो बायो रहेगी उनके जितना रहेगा. और कुछ एक क्वेश्चन आपको ग्रेजुएट लेवल के भी मिलेंगे. हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, बट लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा. और आपकी कोई भी सजेशन है वीडियो को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो प्लीज उसे जरूर मेंशन करिएगा. सो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. और अभी तक 5 or 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है पीजीटी बायोलॉजी की, उन्हें भी जाकर चेकआउट करेगा. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ सिंपल सीक्वेंस इन विच द ग्रास ग्रोज. अ काउ ईट्स द ग्रास, अ ह्यूमन ईट्स द काउ, or drinks its milk. It is what? It is a food chain or food web or food cycle or pyramid. It's a food chain. Okay? It's a simple question. In an overpopulated parts of the world where there is a shortage of food, जहाँ पे बहुत कमी है food की, तो लोग क्या खाते हैं? Rice, wheat and other grains. Herbivores को खा जाते हैं, carnivores को खा जाते हैं, जो छोटे carnivores या बड़े carnivores. So they eat rice, wheat, and other food grains. Next question is, which of the following group of organism is thermophilic? Thermophilic वो होते हैं जो कि hot areas में रहते हैं and they can grow at higher temperature. तो वो algae, bacteria होंगे, loris, rhesus monkey, red kangaroo होंगे, llamas, camels और yak होंगे, या bison musk, ox और rusk. So the correct answer will be bacteria. जो bacteria होते हैं ना वो harsh conditions में भी रह सकते हैं और extreme conditions में भी रह सकते हैं. ठीक है, वो hot conditions में भी रह सकते हैं और cold conditions में भी रह सकते हैं. The density of a population in a country is obtained. कैसे आप population को बताएंगे? In respect of fertile land, क्योंकि लोग fertile land पे ही रहते हैं. In respect to total land, in respect of habitable and inhabitable, कहाँ पर रहा जा सके और कहाँ पर नहीं. Or population is measured in per unit area. So the population is always measured in per unit area. Instead of हम ये नहीं देखते कि कहाँ पर fertile है कहाँ पर नहीं है. We find our basically हम profession या जो भी occupation है उसको find कर लेते हैं. A powerful eye irritant present in the smog. Generally जब स्मोक की बात करें, पॉपुलेशन पॉल्यूशन की बात करें सॉरी, तो पॉल्यूशन में जो स्मोक रहता है आपका, उसमें एक इरिटेंट है जो कि आईज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है. दैट्स ओजोन, नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या सल्फर डाइऑक्साइड. सो द मोस्ट पावरफुल आई इरिटेंट इज द पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट व्हिच इज रिलीज्ड बाय द कंपनीज और द इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, राइट. सो इट्स अ मेजरली फाउंड आई इरिटेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मोक. Coal burning power plants and factories are responsible for about 86% of किस चीज के लिए जो कोयले को जलाते हैं factories में, वो क्या मतलब क्या lead करता है उससे? Atmosphere में carbon monoxide यानी CO बढ़ जाती है, SO2 बढ़ जाती है, या फिर chlorine बढ़ जाती है, या NO2 बढ़ जाती है. तो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जिसकी वजह से एसिड रेन बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया कैन बी कंटेन्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्वी सीजीएल फिश गेंडुशिया पॉन्ड्स और टैंक्स में या पडल्स में. मलेरिया इस वजह से फैल सकता है अगर आप ये सारी की सारी फिशेज एड कर दो. Gambusia is highly specific in devouring the larva of female Anopheles mosquito. Gambusia को अगर आप introduce कर दो तो उससे female Anopheles mosquito के larvae को मारा जा सकता है. कौन सी statement true है? So अगर statement की बात करें तो B statement बिल्कुल correct है. First तो malaria can be contained, no. Contaminated भी बोल सकते थे. Malaria तो female Anopheles होता है. तो correct answer would be answer number 2. So
Which of the following statement are true? Okay, it's not false, it's true. So the correct answer will be answer number one, which is malaria can be contained with the introduction. Yes, क्योंकि उनके लार्वे ही सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे, पॉन्ड्स में रहते हैं, पानी में रहते हैं, इस वजह से मलेरिया सबसे ज्यादा फैल सकता है. राइट, आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किसने दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी? दैट इज बीन गिवन बाय द एरिस्टोटल. सो द करेक्ट आंसर विल बी एरिस्टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ. पहले के टाइम पे जब प्लांट्स और एनिमल्स नहीं आए थे एटमॉस्फेयर में, तो सबसे पहले क्या था एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, वाटर वेपर. देखिए, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि CH4 तो था ही था, तो आपको CH4 कहाँ कहाँ दिख रहा है? किसी ऑप्शन में है CH4? यस, मीथेन जैसे मूल है. यस, तो आंसर विल बी बी. ऑपेरॉन थ्योरी से भी हम इसको डिराइव कर लेते हैं. द लाइफ अरोज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ सिंपल केमिकल कॉम्पोजिशन. ये अभी बता दिया मैंने, केमोसिंथेटिक थ्योरी को ही ऑपेरॉन थ्योरी बोलते हैं. ऑपेरॉन जो साहब थे, ऑपेरॉन एंड हैल्डन की थ्योरी थी, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा सेटअप बनाया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड एवरीथिंग करके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करके, सेम ऐसी कंडीशंस बना दी गई थी जैसे कि पहले के टाइम पे हुई थी, और जिसकी वजह से आपके ये सारे कंपाउंड्स बने. और इनसे ही आगे हम फर्दर बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो हैं वो डिराइव. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कीमोसिंथेटिक रिएक्शन वॉज सोलर एनर्जी. लिक्विड वाटर डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्लियर. एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वॉज प्रोवाइडेड बाय यूवी लाइट एंड कॉस्मिक रेस. क्या आंसर आपके हिसाब से करेक्ट होगा? इन स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेन एल्डन की थ्योरी है, सेम टू सेम. देखिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर डी, विच इज 1, 3, एंड 4, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, लिक्विड वाटर डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्ली अर्थ. उस टाइम पानी की जो बूंदे थी वो नहीं थी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके पानी बनाया था अकॉर्डिंग टू द ऑपरेन एल्डन थ्योरी. ठीक है, और जो एनर्जी थी बेसिकली अर्थ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वो यूवी लाइट से और कॉस्मिक रे से दी गई. ठीक है जी, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने दी? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फ्रांसिस्को रेडी, लेमार्क, ल्यूहॉक, लुईस पास्टर. राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज आंसर नंबर सी, विच इज 1 एंड 4, ल्यूहॉक एंड फ्रांसिस्को रेडी. राइट, सो देर आर ओनली 5 to 6 क्वेश्चन विच आर लेफ्ट. सो आई होप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हु अमंग द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स, अमाइनो एसिड्स कुड बी प्रोड्यूस बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम बना सकते हैं, तो स्टैनले मिलर ने ये डिराइव किया था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं. ठीक है जी, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दी थी? जे लेमार्क, जेबीएस हैल्डेन, ऑगस्ट विस्मन, हेरोल्ड यूरे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन विल बी जीन लेमार्क. लेमार्क की थ्योरी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्यूसिनोजन. हेल्यूसिनोजन कई बार आपको एक एक जो पर्सन है वो दो दो दिखते हैं. कई बार आपको होता है ना, हम पंजाबी में बोलते हैं भुलेखा पड़ता है, या हमें लगता है कि कोई चीज है जो रियलिटी में नहीं है. तो इनमें से कौन सा हेलुसिनोजन नहीं है? एलसीडी, हीरोइन, मारिजुआना. आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्म अबाउट एलसीडी ऑप्शन का, मुझे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है. मैस्कुलिन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी आंसर नंबर बी, हीरोइन इज नॉट अ हेलुसिनोजन. ठीक है जी, हीरोइन इज नॉट अ हेलुसिनोजन. एल्कोहल इज अ, एल्कोहल क्या है? स्टिमुलेंट है, किसी चीज को बढ़ावा देता है, डिप्रेसेंट है, हेलुसिनोजन है, नॉन ऑफ दिस, इट्स अ डिप्रेसेंट. ठीक है, आपकी बॉडी डिप्रेस फील करती है तो इट्स अ डिप्रेसेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग हेलुसिनोजन इज टेकन बाय स्मोकिंग. स्मोकिंग से आप जो लेते हैं, च्यूइंग से लेते हैं, स्निफिंग, सूंघने से लेते हैं, तो दैट विल बी मारिजुआना.
मारे जवानों को ऐसा बोलते हैं कि क्रश करके उसको स्नॉट किया जाता है, सूंघा जाता है। इट्स अ टॉक्सिक ड्रग, सो वी शुड अवॉइड टेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इट्स गिव्स वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, राइट? एंड इट्स इलीगल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज डेथ बिकॉज ऑफ द रेस्पायरेटरी फेलियर? सो द आंसर विल बी हीरोइन। हीरोइन लेने से रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है, सो दैट द आंसर। द एक्सेसिव एंड क्रॉनिक यूज ऑफ विच ड्रग कैन कॉज अनकंट्रोलेबल ट्रेम्बलिंग? पर्सन शेक करने लगता है, हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है और हेल्यूसिनेशन होती है। सो द आंसर विल बी इथेनॉल, यानी आपका एल्कोहल। सिंपली एल्कोहल लेने से, शराब पीने से, ये सारी चीजें होने लगती है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज इल्यूजंस इन्वॉल्विंग पीपल फीलिंग मोर देन देयर सेंसेस एंड पीपल फील दैट दे आर ट्राइंग टू इंजर, और पीपल को लगता है कि वो अपने आप को इंजर कर सकते हैं, मतलब अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसा कौन सा ड्रग है? सो द आंसर विल बी मारिजुआना। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।